कोरा कागज था मन ये मेरा, लिख दिया नाम उस पे तेरा। अच्छा, सो एचपी वालों ने भी यही किया है जो गाने का लिरिक्स बोल रहा था। लैपटॉप बिल्कुल सेम, ठीक है, एंड यहाँ पर सिर्फ इंटेल 12 जन प्रोसेसर डाल के दे दिया गया है। समझ गया। सो बस यार, आज हम रिव्यू करेंगे सबसे सस्ता इंटेल 12 जन गेमिंग लैपटॉप। सो गाइस, ये है HP Victus, परफॉर्मेंस ब्लू कलर में आता है और नाम के आगे ही परफॉर्मेंस लगा दिया गया है, तो अब टेस्ट करके ही पता चलेगा ये एक्चुअल में परफॉर्मेंस ब्लू है या खाली ब्लू ही है। सो सर्वप्रथम देख लेते हैं ये लैपटॉप का विशेष विवरण यानी कि स्पेसिफिकेशन। सो यहाँ पर आपको इंटेल का लेटेस्ट 12 जन प्रोसेसर देखने को मिलता है एंड द वेरिएंट इज i5-12450H। यहाँ पर टोटल 8 कोर और 12 थ्रेड देखने को मिलता है। 8 कोर में से वही 4 परफॉर्मेंस कोर है, 4 इफिशियंट कोर है। मैं आपको एक रियलिटी बताना चाहूंगा, जो राइजन 5 5600H है और इंटेल का लेटेस्ट i5 12 जन 12450H है, दोनों का परफॉर्मेंस एकदम इक्विवेलेंट है, मुश्किल से 5% का फर्क होगा। क्योंकि मैं रिसेंटली HP Victus 16 सीरीज रिव्यू किया था विद द AMD राइजन 5 5600H एंड NVIDIA GTX 1650 ग्राफिक्स, तो वो रिव्यू भी आप देख सकते हैं, आई बार में उसका लिंक देखने को मिल जाएगा। 8GB DDR4 3200 MHz सिंगल चैनल रैम के साथ ये लैपटॉप आता है एंड यहाँ पर आप मैक्सिमम 32GB तक रैम एक्सपांड कर पाएंगे, एक्स्ट्रा स्लॉट्स अवेलेबल है। 512GB PCIe NVMe.2 Gen 4 SSD के साथ ये लैपटॉप आता है एंड यहाँ पर SSD के एक ही स्लॉट प्रेजेंट है, सो इनकेस अगर आप अपग्रेड करना चाहे तो रिप्लेस करके मैक्सिमम 2TB तक SSD अपग्रेड कर पाएंगे एंड SSD का रीड एंड राइट स्पीड काफी शानदार है। रीड स्पीड निकल के आया 6369 MBPS एंड राइट स्पीड इज 4592 MBPS। NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB VRAM के साथ ग्राफिक्स दिया गया है। 1650 सीरीज में तो TGP डायरेक्टली नहीं दिखता, लेकिन जब मैं गेमिंग कर रहा था तो TGP आ रहा था 50W से 52W के बीच, तो आप समझ सकते हैं 55W से 60W के बीच इसका TGP है। इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी HP Victus कोरा कागज नहीं है, यहाँ पर आपको Wi-Fi 6 ही देखने को मिलता है along with the Bluetooth version 5.2 और वही Windows 11 Home सिंगल लैंग्वेज ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। और एक अच्छी बात, ये लैपटॉप में MS Office Home and Student version 2021 भी साथ आता है। ये लैपटॉप मेरे को प्रोवाइड किया है A1 Electronics सुपेला भिलाई। सो अगर आपको भी लैपटॉप लेना है कोई भी ब्रांड्स के, देन डेफिनेटली यू कैन विजिट A1 Electronics। वहां पर आपको सभी ब्रांड्स के लैपटॉप बेस्ट प्राइस में अवेलेबल हो जाएगा, अलॉन्ग विद दैट वहां पर फाइनेंस की भी ऑप्शंस अवेलेबल है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एड्रेस एंड कॉन्टेक्ट नंबर देखने को मिल जाएगा, डेफिनेटली यू कैन चेक इट। सो लेट्स हैव अ लुक एट द डिजाइन एंड बिल्ड ऑफ HP Victus 15 सीरीज। HP Victus प्योरली प्लास्टिक बिल्ड के साथ आता है, लेकिन जो क्वालिटी है वो काफी ज्यादा एक्सीलेंट है। टॉप लीड में आपको Victus की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है इन द वी फॉर्म और ये मिरर रिफ्लेक्शन के साथ आता है, मतलब मैं अपना चेहरा देख सकता हूँ एंड यहाँ पर भी Victus की ब्रांडिंग दी गई है एंड छोटा सा यहाँ पर लिखा हुआ है डिजाइन एंड इंजीनियर्ड बाई HP। बाकी ये वाले पोर्शन में आपको एग्जॉस्ट वेंट देखने को मिल जाता है जहां से लैपटॉप हवा छोड़ेगा, अलॉन्ग विद दैट बैक पैनल में भी बड़े बड़े एयर इंटेक वेंट्स दिए गए हैं एंड यहाँ पर 2 फैन का मॉड्यूल है यार, आप इजीली देख पा रहे होंगे, और फैन वाला मॉड्यूल ही ओपन है एंड बाकी प्लेस यहाँ पर ग्रिल से पैक्ड है एंड यहाँ पर 2 बड़े बड़े रबर ग्रिप दिए गए हैं जिससे लैपटॉप में कोई भी स्क्रैचेस वगैरह नहीं आएंगे। और ये ऐसी डिजाइन दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको 2W के 2 बॉटम फायरिंग स्पीकर देखने को मिलता है, देखते हैं कैसा रहता है इसका साउंड क्वालिटी। यहाँ पर आपको टॉप लेट फ्लेक्स देखने को मिलता है जो प्लास्टिक और काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है, लेकिन क्वालिटी एक्सीलेंट है एंड कीबोर्ड फ्लेक्स बिल्कुल नेग्लिजिबल है, क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छा है। बाकी वॉबल इशू तो है यार, आप देख पा रहे होंगे मैंने फैन का स्पीड 5 पे कर रखा है तो बिल्कुल वॉबल हो रहा है एंड यहाँ पर कोई भी मेजर इंप्रूवमेंट नहीं है इन द डिजाइन एज कम्पेयर विद द प्रीवियस ईयर HP Victus सीरीज एंड देख पा रहे होंगे अभी भी ये वॉबल कर रहा है, उतना भी स्टेबल नहीं है। ये लैपटॉप को वजन है 2.2 किलोग्राम, वेट तो ठीक ठाक सा है एज पर द गेमिंग लैपटॉप। देखते हैं लैपटॉप वन हैंड से इजिली ओपन होता है कि नहीं। या दिस लैपटॉप कैन इजिली बी ओपन बाय वन हैंड और 145 डिग्री तक टिल्ट होता है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मेरे को हिंज वाले पार्ट में थोड़ा जर्क महसूस हुआ, आप साउंड लिसन कीजिए। एंड इन शॉर्ट बोलूं तो डिजाइन एंड बिल्ड के मामले में HP Victus अभी भी कोरा कागज है, जो पिछले साल डिजाइन था वही डिजाइन इस साल भी है और स्क्रीन वॉबलिंग वाला इशू अभी तक फिक्स नहीं हुआ है। बाकी ठीक है, आप स्टैटिक प्लेस में वर्क करते हैं तो ऐसा सच कोई भी इशू नहीं है। सो देख लेते हैं यार लैपटॉप के पोर्ट्स। एक AC स्मार्ट पिन देखने को मिलता है, एक USB 3.2 Gen 1 टाइप ए पोर्ट देखने को मिलता है, वही 5G/s डेटा ट्रांसफर रेट वाला, एक 3.5mm का हेडफोन ऑब्लिक माइक्रोफोन कॉम्बो जैक एंड एक आपको मल्टी फॉर्मेट HD कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाता है।
एक HDMI 2.1 का पोर्ट दिया गया है, इससे आप 4K 120 हर्ट्ज तक डिस्प्ले आउटपुट ले पाएंगे। अगेन USB 3.2 Gen 1 टाइप ए पोर्ट दिया गया है, 5G पर सेकंड डेटा ट्रांसफर स्पीड वाला। एक आपको इथरनेट पोर्ट देखने को मिल जाता है एंड फाइनली यहां पर एक USB 3.2 Gen 1 टाइप सी पोर्ट दिया गया है, 5G पर सेकंड डेटा ट्रांसफर स्पीड है एंड इसे आप डिस्प्ले पोर्ट एंड पावर डिलीवरी के फॉर्म में यूज कर पाएंगे। वन थिंग आई वांट टू टेल यू, जब आप डिस्प्ले आउटपुट टाइप सी पोर्ट से लेते हैं तो आपको IGPU से डिस्प्ले आउटपुट देखने को मिलता है, वही आप HDMI से डिस्प्ले आउटपुट लेते हैं तो वहां पर डेडिकेटेड GPU यूज होता है। सो देख लेते हैं लैपटॉप के अंदर की सुंदरता, काफी अच्छा डिजाइन है अंदर का भी, जैसे पिछले साल था। विक्टस की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है इन द वी फॉर्म एंड यहाँ पर जो पाम रेस्ट एरिया ना वो काफी ज्यादा अच्छा है, प्रॉपर सफिशियंट स्पेस है फॉर द टाइपिंग एंड विक्टस की अगेन ब्रांडिंग दी गई है, मतलब भर भर के विक्टस की ब्रांडिंग दी गई है। और राइट साइड में कुछ स्टिकर्स दिए गए हैं इंटेल i5 12 जेन का, NVIDIA GTX सीरीज का, अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर MS ऑफिस का भी पन्नी लगा दिया गया है। एंड यहाँ पर आपको देख के लग रहा होगा कि ये स्पीकर है क्या, तो स्पीकर वगैरह नहीं है, ये क्रिस क्रॉस डिजाइन है, ये वेंटिलेशन के लिए यूज होता है, मतलब हवा यहाँ से भी थोड़ा छोड़ा जाता है। विक्टस के कीबोर्ड काफी ज्यादा अच्छा है, जो फॉन्ट यूज हुआ है वो काफी ज्यादा प्रोफेशनल लुक प्रोवाइड करता है एंड यहाँ पर आपको फुल साइज बैकलिट कीबोर्ड देखने को मिल जाता है। कीबोर्ड के जो क्वालिटीज है वो काफी ज्यादा अच्छा है, की ट्रेवल भी मेरे को पर्सनली अच्छा लगा इस कंपेयरिंग विद लैनवर्ड या गेमिंग 3 सीरीज या एसर का एस्पायर 5 ले लो, एसर का एस्पायर 7 ले लो, उससे अच्छा कीबोर्ड यहाँ पर दिया गया है। एंड यहाँ पर आपको सिर्फ 1 लेवल का ही ब्राइटनेस देखने को मिलता है, फंक्शन प्लस F4 बटन प्रेस करके आप टर्न ऑन टर्न ऑफ कर सकते हैं। कुछ और भी शॉर्टकट्स है, फंक्शन प्लस F11 बटन प्रेस करके आप टचपैड भी डिसेबल कर पाएंगे। सबसे अच्छा मेरे को पसंद आया वो है विक्टस का ट्रैकपैड, काफी लार्ज साइज ट्रैकपैड दिया गया है, फुली क्लिकेबल ट्रैकपैड है, प्लास्टिक फिनिश के साथ आता है क्योंकि ये गेमिंग लैपटॉप है। बाकी ट्रैकपैड का रिस्पांस काफी ज्यादा अच्छा है, मल्टी जेस्टर सपोर्टेबल है, लाइक पिंच टू जूम, ड्रैग टू चेंज द डेस्कटॉप एंड मेनी मोर जेस्टर्स आर सपोर्टेबल हियर। एंड लैपटॉप में कोई भी फिंगरप्रिंट रीडर नहीं दिया गया है क्योंकि गेमिंग लैपटॉप है ना। सो गाइस कर लेते हैं लैपटॉप का बूट टेस्ट। यहाँ पर आपको 15.6 इंच का फुल HD IPS पैनल के साथ डिस्प्ले देखने को मिलता है विद द एंटी ग्लेयर कोटिंग। डिस्प्ले वही नॉमिनल है जो सभी ब्रांड्स प्रोवाइड करते हैं दिस प्राइस सेगमेंट, अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर आपको 250 nits का पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाता है एंड द कलर गैमेट इज 45% NTSC विच इज इक्विवेलेंट टू 62.7% sRGB एंड हाँ ये गेमिंग लैपटॉप है इसलिए यहाँ पर 144Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है, तो आपका गेमिंग एक्सपीरियंस काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपको 2W के 2 बॉटम फायरिंग स्पीकर देखने को मिलता है विद द बैंग एंड ओलफसन ऑडियो, देखते हैं कैसा इसका साउंड क्वालिटी। क्वालिटी तो इसका डिसेंट है क्योंकि बैंग एंड ओलफसन का ऑडियो दिया गया है, थोड़ा लाउडनेस कम लगा, बाकी ठीक है यार, आप आराम से मूवी वगैरह देख पाएंगे। साथ ही यहाँ पर म्यूजिक लिस्टिंग वगैरह करते हैं तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। वेबकैम के मामले में HP विक्टस अभी भी कोरा कागज है, यहाँ पर आपको 720 पिक्सल का HD वेबकैम देखने को मिलता है विद द डुअल एरे इंटीग्रेटेड माइक्रोफोन। एटलीस्ट प्राइवेसी सेटल तो देना था यार इन द ईयर 2023, लेकिन क्या करें यार, HP को हमारे प्राइवेसी की फिक्र ही नहीं है। तो कुछ ऐसा आपको क्वालिटी देखने को मिलेगा फ्रॉम द HP विक्टस वेबकैम, क्वालिटी तो मेरे को डिसेंट लग रहा है इस कंपेयरिंग विद अदर ब्रांड्स वेबकैम। बाकी क्या ही बोलूं, स्क्रीन अभी भी वॉबल हो रहा है, थोड़ा बहुत मैं हिलता हुआ दिख रहा हूं। सो यहां पर ना इंटेल का लेटेस्ट i5 12 जेन 12450H प्रोसेसर दिया गया है। यहाँ पर कुछ बेंचमार्क्स कैलकुलेट किए, यहाँ पर सिनेबेंच में सिंगल कोर स्कोर निकल के आया 1615 पॉइंट्स एंड द मल्टी कोर स्कोर इज 9291 पॉइंट्स। अगर मैं इस स्कोर को राइजन 5 5600S से कंपेयर करूँ जो मैंने ऑलरेडी रिव्यू किया है, तो वहां पर स्कोर देखने को मिला था 9093 का मल्टी कोर एंड 1343 का सिंगल कोर। तो यहां से आप एनालाइज कर सकते हैं कि सिंगल कोर 300 स्कोर ही ज्यादा है, बाकी मल्टी कोर i5 12450H और राइजन 5 5600H दोनों का इक्विवेलेंट है। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप ज्यादा पैसा नहीं लगाए, उससे अच्छा आप राइजन 5 5600H ले। मानता हूं इंटेल का ऑप्टिमाइजेशन रहता है, लेकिन थोड़े बहुत ऑप्टिमाइजेशन के लिए क्यों 8-10 हज़ार एक्स्ट्रा पे करें, उससे अच्छा हम RTX 3050 ग्राफिक्स क्यों ना लें। और बहुत लोग को यही समझ नहीं आता कि बेंचमार्क क्या होता है, तो बेंचमार्क एक स्कोर रहता है जिससे हम दूसरे लैपटॉप या दूसरे प्रोसेसर से परफॉर्मेंस कंपेयर कर सकते हैं। सो ये सब स्कोर देख के आप कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा लैपटॉप ज्यादा पावरफुल है। Geekbench 5 में 1516 का सिंगल कोर स्कोर एंड 5734 का मल्टी कोर स्कोर देखने को मिल जाता है। 3D Mark 10 में 2866 का टाइम स्पाई स्कोर देखने को मिला, तो यहाँ पर 3D Mark 10 का भी स्कोर ना मेरे को Ryzen 5 5600S से कम देखने को मिला। PC Mark 10 के स्कोर ठीक है 5576, 5000 से ज्यादा आता है, दैट मींस लैपटॉप इज कैपेबल फॉर मल्टीटास्किंग। ब्लेंडर का बेंचमार्क सुन लीजिए, मॉन्स्टर में 54 सैंपल पर मिनट देखने को मिला, जंक शॉप में 15 सैंपल पर मिनट एंड क्लासरूम में 21 सैंपल पर मिनट।
सो किया जाए लैपटॉप में खेल परीक्षण। फर्स्ट गेम मैंने प्ले किया वो है GTA 5, वही फुल HD रिजोल्यूशन में प्ले किया विद द डिफॉल्ट सेटिंग दैट इज वेरी हाई। तो यहाँ पर आराम से मेरे को 80+ FPS इजिली देखने को मिल रहा था। आई डोंट नो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट क्यों हो रहा था, 90 FPS भी जा रहा था, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर GPU का यूज नहीं हो पा रहा था। कभी 50 वॉट होता था, कभी अचानक से ड्रॉप होकर 43 वॉट भी हो जा रहा था। दैट्स वाई थोड़ा लो FPS मेरे को देखने को मिल रहा था। बाकी ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस ठीक रहा यार। यहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन था, बिल्कुल हीटिंग नहीं हो रहा था। दैट मीन्स 90 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं जा रहा था एंड फैन भी एकदम मैक्सिमम स्पीड में रोटेट नहीं हो रहा था। तो ओवरऑल यहाँ पर आप कैजुअल गेमिंग कर सकते हैं, नॉट वेरी हाई गेमिंग। नेक्स्ट जब मैंने प्ले किया वेलोरेंट, वही फुल HD रिजोल्यूशन एंड हाई सेटिंग में। यहाँ पर MSI Afterburner वर्क नहीं कर रहा था, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर NXT कैम इंस्टॉल किया। आराम से वेलोरेंट में 100+ FPS आ रहा था एंड यहाँ पर GPU यूजर्स भी 50% का ऑलमोस्ट हो रहा था। एंड यहाँ पर जो टेम्परेचर था वो भी मेंटेन था अराउंड 70 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, GPU एंड CPU बहुत। तो वेलोरेंट आप आसानी से अच्छे मजा लेके खेल पाएंगे और बिल्कुल 144 हर्ट्ज का फुल फायदा यहाँ पर उठा पाएंगे। देन नेक्स्ट मैंने एपेक्स लेजेंड प्ले किया इन फुल HD रिजोल्यूशन एंड डिफॉल्ट सेटिंग। यहाँ पर 70 FPS इजिली देखने को मिल रहा था एंड यहाँ पर GPU का 99% यूज हो रहा था, क्योंकि ये काफ़ी हाईली ग्राफिक्स इंटेंसिव गेम है एंड ओवरऑल ठीक ठाक से एक्सपीरियंस रहा इन एपेक्स लेजेंड ऑल्सो। एंड यहाँ पर भी एक अच्छी बात, टेम्परेचर मेंटेन था, 89-90 डिग्री से ज़्यादा नहीं जा रहा था और वेरी हो रहा था। देन नेक्स्ट मैंने CSGO प्ले किया इन फुल HD रिजोल्यूशन डिफॉल्ट सेटिंग एंड यहाँ पर आराम से 90+ FPS इजिली देखने को मिल रहा था। एंड यहाँ पर भी GPU का प्रॉपर यूज नहीं हो रहा था, क्योंकि उतना भी ग्राफिक्स इंटेंसिव गेम नहीं है। एंड यहाँ पर आराम से 90+ FPS देखने को मिल रहा था एंड टेम्परेचर मेंटेन था। सो आप आराम से यहाँ पर CSGO प्ले कर पाएंगे, आराम से फोटोशॉप वाला वर्क कर सकते हैं, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है। सभी लेयर्स यहाँ पर प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, ऐसा मेरे को यहाँ पर कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिला। एंड कलर ग्रेडिंग तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर 100% sRGB डिस्प्ले प्रोवाइड नहीं किया गया है। देन मैंने वीडियो एडिटिंग टेस्ट किया इन Adobe प्रीमियर प्रो, 4K 30 FPS का फाइल इंपोर्ट किया। यहाँ पर टाइमलाइन एकदम स्मूथ वर्क कर रहा था, सच मेरे को कोई भी इशू देखने को नहीं मिला। मैंने 1 मिनट का लेंथ रखा है और यहाँ पर कुछ टैक्स ऐड किए, टाइटल ऐड किए और मैंने थोड़े बहुत कलर करेक्शन किया। सो 1 मिनट का जो 4K 30 FPS का फाइल था उसको रेंडर होने में लग गया 1 मिनट 26 सेकंड इन 4K 30 FPS। तो आप आराम से यहाँ पर आप 4K 30 FPS लेवल का वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, बटर स्मूथ, एस सच कोई भी दिक्कत नहीं आएगा अगर आप 1-2-3 लेयर वाला वर्क करते हैं। लैपटॉप का ऐसा चीज जो सुन के आपको काफी ज्यादा बुरा लगेगा वो है इसका बैटरी। जो HP Victus 16 सीरीज था वहां पर आपको 4 साल का बैटरी देखने को मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर डाउनग्रेड किया है HP Victus 15 विद Intel 12th जन प्रोसेसर। यहाँ पर आपको सिर्फ 3 साल 52.5 वॉट आवर का ही बैटरी दिया गया है। सो HP ने यहाँ पर फुल कॉस्ट कटिंग किया है टू प्रोवाइड जस्ट 12th जन लैपटॉप। बाकी लैपटॉप में मैंने बैटरी बैकअप टेस्ट करके देखा, थोड़ा बहुत गेमिंग किया, कंटेंट वॉच किया, तो 2-3 घंटे से ज़्यादा आपको बैटरी बैकअप देखने को नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पर 150 वॉट का AC एडाप्टर दिया गया है, मैंने वो भी टेस्ट करके देखा कि फुल चार्ज होने में कितना वक्त लगता है, तो अराउंड 1.5 घंटे में आप अपने लैपटॉप को फुल चार्ज कर पाएंगे। सो इन टर्म्स ऑफ थर्मल यहाँ पर आपको 2 फैन का मॉड्यूल दिया गया है। ओवरऑल अभी मेरे को HP Victus का थर्मल मैनेजमेंट ठीक ठाक सा लगा यार, एज सच मेरे को कोई भी हीटिंग इशू देखने को नहीं मिला, 85-90 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही जा रहा था। और जैसे ही फैन का RPM बढ़ता है टेम्परेचर ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाता है, यहाँ पर कोई भी थ्रॉटलिंग इशू देखने को नहीं मिला ड्यूरिंग द गेमिंग। सो आराम से लैपटॉप में आप गुड लेवल का गेमिंग कर पाएंगे, एज सच कोई भी थ्रॉटलिंग का इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो इट्स टाइम फॉर द फाइनल कंक्लूजन, मेरे को एज सच कोई भी चेंजेस नहीं लगा यार। मैं रिसेंटली Ryzen वाला Victus भी रिव्यू किया था और अभी Intel वाला किया, दोनों का परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम। और ये लैपटॉप का प्राइस मैं देख रहा था सेल में 60,000 के करीब आ जाता है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा इन द ईयर 2023 आप RTX 3050 वाला लैपटॉप प्रेफर कीजिए। एंड रिसेंटली मैंने टपडेस पे रिव्यू किया था, वो i5-12450S प्रोसेसर के साथ आता है, जो यही प्रोसेसर है, बस उसमें RTX सीरीज का ग्राफिक्स कार्ड दिया गया था। सो जिनको अच्छा डिस्प्ले, अच्छा बिल्ट और मग स्विच के साथ लैपटॉप चाहिए, देन यू कैन गो विद द ASUS TUF-DES F15, उसका भी रिव्यू आपको iWAR में देखने को मिल जाएगा। सो ये लैपटॉप मैं उनको रिकमेंड करूंगा जो प्रोडक्टिविटी वाला वर्क करना चाहते हैं, लाइक वीडियो एडिटिंग हो गया, 3D मॉडलिंग हो गया। हार्डकोर गेमिंग के लिए ये लैपटॉप बिल्कुल नहीं है, आप RTX 3050 सीरीज वाला लैपटॉप प्रेफर कीजिए। इन टर्म्स ऑफ कॉन्स, स्क्रीन वॉबलिंग वाला इशू ही कॉन्स है, बाकी सच कोई भी कॉन्स नहीं है। एंड यहाँ पर मेरे को थर्मल मैनेजमेंट इंप्रूव देखने को मिला एस कंपेयरिंग विद Ryzen 5 HP Victus सीरीज। तो टेम्परेचर यहाँ पर 85-90 डिग्री से ज्यादा नहीं जा रहा था, बाकी जो पहले वाला HP
विक्टस था वो 95 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी टच कर रहा था। सो बस गाइस ये था एचपी विक्टस सीरीज का कंप्लीट रिव्यू। आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक मार देना, साथ ही चैनल में हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड नीचे जो रेड बटन है उसको ग्रे करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। टिल देन टेक केयर एंड अ वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।